आने वाले कुछ वर्षों में ही MBBS का सिलेबस और करिकुलम भी चेंज हम करवाएंगे, जिसमें योग को आयुर्वेद को का समावेश होगा, भारत बोध का समावेश होगा। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, रसिया में ऐसे होता है, चाइना में ऐसे होता है, पूरे यूनान में ऐसा होता है, पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसा होता है। वो अपने यूनानी को और अपनी अपनी ज्ञान परंपरा को दुनिया का हर देश अपने बोध के साथ आगे बढ़ता है, भारत क्यों नहीं बढ़ेगा? हम करवाएंगे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कराएंगे या सुप्रीम कोर्ट से करवाएंगे, लेकिन हम सिलेबस भी चेंज कराएंगे। पहले तो हम स्कूलों का जो श्रेष्ठतम सिलेबस होना चाहिए वो भारतीय शिक्षा बोर्ड से बनवा रहे हैं, फिर यूनिवर्सिटियों का भी सिलेबस होना कैसा चाहिए यह हम UGC से चेंज करवाएंगे, फिर अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, इसका भी सिलेबस में आध्यात्मिकता कैसे होनी चाहिए उसको पतंजलि विश्वविद्यालय में भी करके दिखाएंगे और पूरी दुनिया से चेंज कराएंगे, तो सब होगा। तो स्कोप क्या है, एक शब्द बोला जाता है स्कोप, स्कोप बोलते हैं, स्कोप क्या है आगे योग का, आयुर्वेद का, भारतीय शिक्षा बोर्ड का, इसका स्कोप क्या है? ये तो मैं एक एजुकेशन फील्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी कॉरपोरेट्स में, बिजनेस में, वर्ल्ड में, पॉलिटिक्स में इतना स्कोप है। और एक बात और सुन लो बच्चों, मुझे तो किसी ने आधार नहीं दिया, मुझे तो एक भगवान ने आधार दिया और इस देश के करोड़ों लोगों ने मुझे प्यार दिया। बाकी मेरे पीछे ना कोई बड़ी राजनीतिक ताकत थी, ना कोई सामाजिक ताकत थी, ना कोई कॉरपोरेट हाउस, ना कोई पॉलिटिकल हाउस मेरे पीछे नहीं खड़ा था, मैं लेकिन तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। और जो भी बच्चा जितना ऊंचा उठना चाहता है उसके पीछे माता पिता और गुरु के रूप में स्वामी रामदेव तुमको खड़ा मिलेगा, और क्या चाहिए तुमको। जमाना बड़ा बड़ा उल्टा सीधा है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, जीवन की पगडंडियां उतनी आसान नहीं है, बड़ा कंटकाकीर्ण है ये पथ जीवन का, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं, तो इतना तो हौसला रखो तुम अपने आप को इस रूप में तैयार कर सको, वो साहस, वो शौर्य, वो वीरता मैं आपके भीतर भरना चाहता हूं। क्या बोला? मैं कहता हूं बिना वीरता के, बिना शौर्य के, बिना पराक्रम के जीवन के महान कार्यों का संपादन नहीं होता है। बच्चों सुनो, बच्चों।